हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं शायद बारिश होने वाली है, शायद अभी 4 ही बजे हैं, शायद अब हम बच नहीं सकते, शायद खाना बन गया है या बन चुका है। तो इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? वेल, आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। वेल, यहाँ पर जो वर्ड आया शायद, शायद के लिए हम लोग दो अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हैं। पहला मे बी और दूसरा परहैप्स। परहैप्स या मे बी में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। वेल, सबसे पहले स्ट्रक्चर में राइट करेंगे मे बी या परहैप्स में कोई एक, उसके बाद लगाएंगे कमा, कमा को लिखने के बाद कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेट कर देंगे। वेल, लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आपको ये सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। वेल, आज का पहला सेंटेंस है शायद बारिश होने वाली है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे मे बी इट्स अबाउट टू रेन, मे बी इट्स अबाउट टू रेन। वेल, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं परहैप्स इट्स टू रेन, परहैप्स इट्स टू रेन। यदि बारिश होने ही वाली है तो बोलेंगे अबाउट टू रेन, नहीं तो सिर्फ टू रेन बोलेंगे तो वो हो जाएगा। तो परहैप्स या मे बी में से कोई एक वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद अभी 4 ही बजे हैं। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट्स ओनली 4 मे बी, इट्स ओनली 4 मे बी या परहैप्स इट्स ओनली 4। तो दोनों सेंटेंस बोल सकते हैं आप, चाहे तो पीएम एएम भी लगा सकते हैं, 4 PM AM, सिर्फ 4 लगा दीजिएगा तो सिचुएशन के हिसाब से वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद अब हम बच नहीं सकते। वही सेंटेंस के लिए बोलेंगे परहैप्स वी कॉन्ट एस्केप नाउ, परहैप्स वी कॉन्ट एस्केप नाउ। यू कैन ऑल्सो से मे बी वी कॉन्ट एस्केप नाउ, मे बी वी कॉन्ट एस्केप नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद खाना बन गया है इसीलिए वो हमें बुला रहा है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे मे बी द फूड हैज बीन कुक्ड, दैट्स वाई ही इज कॉलिंग अस, मे बी द फूड हैज बीन कुक्ड, दैट्स वाई ही इज कॉलिंग अस। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को बिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।